देखिए जो कल हुआ था उसमें पुलिस की गलती है और उसके बाद भी पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। मैं गया था कहने के लिए, वह लोग 150 बिना नाम के केस किए हैं, तो मैंने कहा कि अगर आपको ज़रूरत हो तो 150 अकेले ही हम लोग पूरा कर देते हैं, ले लो 150 कर लो, और जो नहीं रहा है उसको भी प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, जो रहा है उसको भी प्रताड़ित करने का, दंगल का माहौल बना के रखे हैं। जिला में न खाद मिल रही है, धान का सीजन है, धान लोगों का जिसको 300 कुंटल हुआ है उसको एक महीना इंतजार करना पड़ रहा है 100 कुंटल लेने का काम कर रहे हैं, बिचौलियों का 1000-1000 कुंटल ट्रक का ट्रक लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये सब के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाने वाले थे, और सबसे बड़ी बात था अलाउंस करके हम लोग गए थे कि चहनिया जाएंगे, चहनिया से 6 किलोमीटर कैसे चले गए वो लोग। पुलिस 100% फेल्योर रहा है, LIULA की फेल्योर रहा है, और समाजवादी पार्टी इस बात पर हर समय लड़ने का काम करेगी और पुलिस के बल पर मानने का काम नहीं करेगी। जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही है लगातार काबुल को, क्या स्टैंड रहेगा? यही तो हम लोग कहने आए थे कि गिरफ्तारियां तो बंद करिए, इसको मामला को जो हो गया शांत करिए इसको, और इसमें पुलिस की भी गलती है, अगर गिरफ्तारियां होना तो पुलिस के ऊपर भी केस होना चाहिए, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, खाली नेताओं के ऊपर ही नहीं होना चाहिए। पर्सनल अपने कोई काम के लिए नहीं गया था, जनता के सवालों पर, और मुख्यमंत्री को नहीं घेरेंगे तो किसको घेरेंगे, क्योंकि यहाँ के अधिकारी तो एकदम बिल्कुल यूँ कह ले निकम्मे हो गए हैं, वो तो सुनते ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग मुख्यमंत्री को गए थे देने के लिए, ले लिए होते आगे, कोई लेने का काम नहीं कर रहे हैं, अपना फेल्यूर हम लोगों के सर पर मरने का काम कर रहे हैं।